पाकिस्तानी कट्टरपंथी भारत को परेशान करने के लिए रोज नए नए तरीके इस्तेमाल में ला रहे हैं। अब उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंदरूनी क्षेत्र में हिंसा के साथ ही सूचना तकनीक के क्षेत्र में भी घुसपैठ शुरू कर दी है। भारत की सरकारी और वाणिज्य साइट को हैक कर पाकिस्तानी हैकर्स ने भविष्य में इस क्षेत्र में उनकी तरफ से भारी नुकसान की चेतावनी दे दी है। इंटरनेट साइट हैकिंग का अर्थ है कि हैकर किसी भी साइट पर बिना पासवर्ड के घुसपैठ करता है और इस साइट पर उपलब्ध जानकारी भी गड़बड़ी कर देता है या उस जानकारी को पूरी तरह गायब कर देता है। वेब और वेबसाइट का जो मैनेजमेंट, हैकिंग और जितने भी इसके साथ साथ जो भी हरकतें हैं, ये केवल सिक्योरिटी प्लानर्स या जो सुरक्षा आयोजक हैं, केवल उनका या उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हैकिंग जो है ये स्वाभाविक है, और संदर्भ यह है कि पिछले साल यानी कि 2000 में सबसे बड़े देश जो अमेरिका है से लेके जितने भी बाकी देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, सबके जो साइट्स हैं वो हैक हुए हैं, यानी कि उसके अंदर हैकर्स प्रवेश कर पाए। पाकिस्तानी हैकर्स ने सूचना मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च UGC, IndiaInfo.com, तमिलनाडु सरकार, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, IndiaTimes.com, विदेश मंत्रालय और इंफोसिस की साइट को हैक कर भारतीय कंप्यूटर विशेषज्ञों को चौकन्ना कर दिया है। गौरतलब है कि हैकर्स के बहुत से संगठन भी सक्रिय हैं। इसमें प्रमुख हैं सिल्वर लॉर्ड्स, सिक्योरिटी टीम, कबाब क्रू, WFS डॉक्टर, हैकर्स और हैक्टिविस्ट। अब बॉर्डर के उस पार से एक इंक्रीज एक्टिविटी नजर आ रही है। अब एक्टिविटी ये है कि आप किसी भी प्रकार से जो मुख्य मुख्य सरकारी भारतीय सरकारी वेबसाइट्स हैं या मुख्य मुख्य कॉरपोरेट साइट्स हैं उनको हैक करें, ताकि एक संदेश पूरी जनता को दे सकें कि देखिए अगर हम आपकी सरकारी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं तो हम सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट में काम हो रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है संभवतः एक साइबर वॉर को प्रारंभ करना। इंटरनेट साइट चुराने की प्रक्रिया पहली बार 1997 में प्रकाश में आई। आज ही इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि नासा, व्हाइट हाउस, पेंटागन की भी साइट्स हैक कर ली जाती हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 में चीनी हैकर्स ने अमेरिका की 650 साइट्स को हैक कर लिया। 1998 से 2000 तक लगभग 600 हैकर्स ने भारतीय साइट्स को हैक करने की कोशिश की, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे। इसी वर्ष जनवरी से पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत की लगभग 162 सरकारी और व्यापारिक साइट्स को हैक। यह स्थिति इसलिए चिंताजनक है कि इससे कार्यालय की कार्यप्रणाली को बाधा पहुंचती है। सूचना तकनीक के विकास के साथ साइट हैकिंग और साइबर वॉर कोई चौंकाने वाली बात नहीं रही। अब जरूरत ये जानने की है कि उच्च कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए क्या इससे बच पाना संभव है।